मर्म स्थान पहले हम निकाल लेते हैं। मर्म स्थान होते कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। वैसे जो कहा गया है वो ये, अति मर्म स्थान 5 होते हैं और मर्म स्थान 32 होते हैं। 32 टेक्निकली 32 नहीं होते हैं, 32। वैसे जो दिखाया गया है वो मैं बता देता हूं आपको। एक ये है, ये तो अति मर्म स्थान है। कैसे कैसे करके है ये देखिए, दो लाइन खींचिए। एक आप पितृदेव हैं यहां पर, यहां से लेकर और सिखी तक एक लाइन आपने खींच दिया। एक वायु से अग्नि तक, ये मर्म स्थान निकालने का तरीका है और बहुत इजी करके बता दे रहा हूं मैं आपको। फिर आप 1, 2, 3 ये तीसरे देव हैं, यहां से लेकर इनके तीसरे देव को मिलाइए ये। फिर ये 1, 2, 3 इस तीसरे देव से लेकर इनके तीसरे देव को मिला देंगे। ऐसे इधर कर लेंगे चारों कोने पे 1, 2, 3। और ये ऐसा क्यों मिलाया जाता है, ये थोड़ा आप तरीके से मिला लीजिएगा। जब आप ऐसे करेंगे ना उसमें सिस्टम में तो अच्छा हो जाता है ये। फिर आप 1, 2, 3 ये मिला लिया हमने। अब इनको हमने इससे मिला दिया, सीधे सीधे खींचते जाइए, आप लोग भी करते जाइए इसको। इनको हमने, ये देव हैं, इस देव से यहां, इस देव को यहां से ये मिला दिया हमने। अब इसको हमने इससे मिलाया, फिर ये मिला दिया। जितने भी कटान पॉइंट है ना वो सब मर्म स्थान है। एक मर्म स्थान अपना ये अति मर्म जो है ना वो ये हो गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये अति मर्म स्थान है। मर्म स्थान वैसे जो बताया गया है वो उसके बाद जो 32 मर्म स्थान है वो ये हैं, 1, 2, 3, 4। फिर यहां पर सोमदेव के पीछे 1, 2, 3, 4। फिर सिखी के पीछे आप ये समझो जो 8 है ना देव, उन 8ों के पीछे वाले पद में आप इस मर्म स्थान को ले लो। ये हो गया 12, 12, 24 और 8, 32। ये सभी मर्म स्थान है। अब इसमें से ये तो दिया हुआ है ऐसे करके कि ये मर्म स्थान है, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें जो मेरे अनुसार होना चाहिए, जो उन लोगों ने तब दे दिया इसके हिसाब से तो कुछ बन ही नहीं पाएगा। जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये है कि मर्म स्थान आप इसको लो, ये जो कट रहा है ना यहां पर, यहां कोई कट भी नहीं रहा है, ये जो कट रहा है ना आप इसको लो मर्म स्थान, एक इसको लो मर्म स्थान। सीधा सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा मर्म स्थान लेने का। ये जो 32 मर्म स्थान है ना इसके बजाय आप ये 9 मर्म स्थान लो। ये अति मर्म स्थान तो ये हो गए 5ों, बहुत भयंकर मर्म स्थान है ये। इसके ऊपर अगर कुछ रख भी दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ये एग्जैक्ट है, सत्य है, पूरा का पूरा आप रख के देख लो, या ऐसा करना आप किसी के घर का ये निकाल लेना। मर्म स्थान आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मर्म स्थान आप चक्र वाले में नहीं निकाल सकते। उसमें मैंने बहुत करके देखा मगर उसमें नहीं निकल पाता है। मैं अभी वो भी करके देखूंगा आप लोगों के सामने ही, मगर उसमें निकल नहीं पाता है। ये मर्म स्थान आपके 1, 2, 3 ये सभी मर्म स्थान हो गए आपके। ये जहां जहां कटा है ना इसको आप मर्म स्थान ले लो,
या इसको आप ऐसे समझ लो कि जो आठ दिशाएं होती है ना, चार दिशा इधर, चार जो कोने पे दिशाएं होती हैं, उनके जस्ट पीछे वाले पद पे आप मर्म स्थान ले लो, उसको उसके बीच में आप मर्म स्थान ले लो। आप देखोगे यहां से आप इसको ईस्ट समझ लो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। साउथ इसलिए है क्योंकि यहां पद भी है ना, ये सूर्य का पद है। देवता रख दूं मैं इसमें सब में, ये यम का हो गया, ये वरुण हो गए और ये सोमदेव हो गए। ये सीधा सीधा इनके, और इसी तरह से ये जो देव हैं सिखी, इनके जस्ट पीछे इस कोने वाले रोग के पीछे, और फिर पित्री के पीछे, ये जो देव है ना इनके जस्ट पीछे सपोर्ट में जो देव बैठे हुए हैं वो आपके मर्म स्थान में आएंगे। वो मर्म स्थान का क्या मतलब हो गया कि ये देव यहां से ब्रह्म स्थान को देख रहे हैं, ब्रह्म को देख रहे हैं, यहां से ये ब्रह्म को देख रहे हैं। और दूसरा इस बात को समझिए, अगर यहां पर कुछ रखा हुआ है, अगर यहां पर कुछ रखा है, इन जगहों पर कुछ रखा हुआ है, तो आपकी एनर्जी उससे आगे जा ही नहीं पाएगी, वहीं पर आप फंसे रहेंगे। पहले तो ब्रह्म की एनर्जी, अगर इन चीज इन जगहों पे कुछ रखा है, या कोई आपने पिलर डाल रखा है, कोई भारी सामान डाल रखा है, या एंटी एलिमेंट डाल रखा है यहां पर आपने, ये भी समझ लो, तो वो एनर्जी उससे आगे जाएगी नहीं। ये सभी देव ब्रह्म की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और वहां से एनर्जी का आदान प्रदान करके आपके बाहर तक लाते हैं। जो पिशाच पृथ्वी है ना, ये वाली बाहर वाली जो पृथ्वी है, इसमें आदान प्रदान करते हैं और पूरी तरह से एनर्जी बैलेंस होती रहती है। जो एनर्जी वास्तु एनर्जी स्पेस एनर्जी बनती है वो एनर्जी बैलेंस होते रहती है। अगर इनमें से कहीं पर कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं कुछ रखा रहता है, तो इंस्टेंटली आपके शरीर में तो दर्द होता ही रहता है। वास्तु पुरुष के जिस अंग पे वो सामान रखा हुआ है वहां पर आपके शरीर में तो दर्द होता ही रहता है। अगर इसके ऊपर भी जाएंगे तो आपके लक्षण में, आपके सौभाग्य में, आपके जीवन में उस तरह की प्रॉब्लम चल ही रही होती है जहां जिस अंग पे वो सामान रखा हुआ है या जैसा वो स्थित है। अब इसमें क्या है, आप एक कोई भी एक दिशा को ले लो, जैसे ब्रह्म स्थान है, यहां से इधर गए और यहां आपने कुछ रखा है या कुछ भारी सामान रख दिया या कुछ एंटी एलिमेंट रख दिया या कुछ भी आपने ऐसा रख दिया, ईस्ट में आपने कुछ रख दिया इधर, तो यहां की एनर्जी अब हो गई ब्लॉक। आप यहां पर लाख रेमेडी करते रहो, इस वाले पे कुछ नहीं होना। और ये तो हमने देख ही लिया, साथ साथ इसका ये भी उपयोग बहुत बड़ा होता है। यहां तक तो किताबों में लिखा हुआ है, यहां तक शास्त्र कह रहा है और यहां तक सारी चीजें हो रही हैं, मगर जो इससे आगे की कहानी है वो ये है कि जैसे यहां पर कुछ रख देंगे तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, तो यहां जब हम एनर्जाइज कर देंगे तो एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी ना। ये उपाय के लिए ये जगह बहुत काम आती है। अगर आप लोगों को पता हो तो तरीके का, इस तरीके का उपाय करें इसमें, जिससे ये सारे जोन एक्टिवेट हो पाए जहां जहां पर है। और आप इसके उपाय को आप अपने शरीर से करेंगे, एक तो इसको साफ रखेंगे, खाली रखेंगे, और अपने शरीर से ये उपाय करेंगे, इस उपाय को, इसको एक्टिवेट करने का तरीका है। ये जितने भी मर्म स्थान है ना, ये इसको एक्टिवेट करने का तरीका है। ये पांच जो है ना, इसमें ये देख रहे हैं पांच, और इसी पर लिया गया है, हम लोगों ने जो लिया है ना चक्राज का जो कॉन्सेप्ट लिया है वो इसी पर लिया है। यहां से आप देखेंगे ब्रह्म स्थान जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष का सर ऐसे रहता है, इन दोनों देव पे उनका कान जाता है, ऐसे होके उनका कान जाता है यहां पर, उनका कान जाता है, फिर यहां गला आ गया, ये विशुद्धि चक्र लिया है, जो वास्तु में चक्र का कोई उपयोग नहीं है, फिर भी जो लिया गया है, जिस हिसाब से चक्रा से इसको रिलेट किया गया है वो ये है। और इसमें होता भी है, अगर आपके यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो आपके गले में प्रॉब्लम होती रहेगी, आपके गर्दन में, आपके स्पाइन के ऊपर में यहां पर दर्द होता रहेगा, यहां प्रॉब्लम होती रहेगी, तो इस वजह से ये विशुद्धि चक्र लिया भी है इसमें। ये आपका हो गया यहां पर, और इस यहां पर जो आएंगे ना, फिर ये पूरा हाथ जाता है, यहां से ऐसे होके ऐसे निकल जाता है, और ये घुटना हो गया ये वाला, फिर ये पूरी नली जो जाती है वो हाथ की जाती है, एक एक
नली डिसाइड किया हुआ इन लोगों ने। अब फिर यहां ये घुटना हो गया और ये घुटने का पूरा जाता है, ये पैर जाता है यहां पर, और ये घुटने का ये पूरा जाता है, लेग्स का जाता है और ये पैर जाता है। इस हिसाब से वास्तु पुरुष के कौन से अंग पे कौन से देव हैं ये निर्धारित किया जाता है इसमें। और उसके बाद ये आपका पूरा स्पाइन हो गया, इस स्पाइन पे मूलाधार हो गया, स्वाधिष्ठाना हो गया, मणिपुरा हो गया, अनाहत हो गया और विशुद्धि। इसके ऊपर के जो दो चक्र हैं वो जमीन से रिलेट नहीं किया इन्होंने, वो ज्यादा अच्छा किया। मर्म स्थान से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप ले लीजिएगा। मर्म स्थान निकालने का तरीका यही है और मर्म स्थान आप लोग एक बार निकाल लो अपने अपने घरों में, इसी से निकालना, क्योंकि आप गोल चक्र से अगर निकालने जाते हैं मर्म स्थान को तो गोल चक्र से मर्म स्थान निकलता नहीं है। आप इन इन देव के पीछे भी ले लोगे ना कहीं पर, आप गोल चक्र जो बनाओगे, पिछली बार भी मैंने दिखाया था आपको, आप लोग कम लोग थे, गोल चक्र से मर्म स्थान का कोई ठीक से औचित्य नहीं बनता। गोल चक्र से मर्म स्थान आप कैसे निकालेंगे? गोल चक्र आप ऐसे ही बनाते हैं, जो आपका बना हुआ है ना वो इसी प्रकार का है, ऐसे ही बनता है। ये 64 पद में है बना हुआ ये चक्र। आप इसमें देखिएगा मर्म स्थान निकलना मुश्किल रहेगा, आप उस देव के पीछे ले लोगे, अपने मन को सांत्वना दे लोगे किसी तरह से, मगर उसमें मर्म स्थान निकलना मुश्किल टाइप में होता है। ये कोने के देव हो गए इसमें, अब देखिए मर्म स्थान कैसे निकालेंगे इसमें। अब मर्म स्थान इसमें निकालना आपके लिए बहुत टेढ़ा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? इस देव के पीछे ये जो देव है ना, अगर आप इसको नॉर्थ लेते हो, ये जो देव है इसके पीछे ये मर्म स्थान हो जाएगा, जो यहां पर जो मर्म स्थान निकाला जाता है। वैसे इसको अगर आप सीख ही लेंगे तो इसके पीछे ये मर्म स्थान आपको निकालना होगा, जो आप निकाल नहीं पाएंगे, ये कोई तरीका ही नहीं बनता मर्म स्थान निकालने का, इस टाइप से कोई तरीका ही नहीं बनता। आप अगर इससे काम कर रहे हैं, इस वाले चक्र से काम कर रहे हैं, जो चक्र हमारे और आपके सबके हाथ में, मेरे हाथ में भी ये चक्र है, आपके हाथ में भी ये चक्र है, क्योंकि इसके बाद का कोई चक्र आया नहीं है वास्तु जगत में, तो ये जो चक्र है ना इससे आप मर्म स्थान नहीं निकाल पाएंगे। मर्म स्थान निकालने आप मर्म स्थान आपको निकालना ही निकालना है, जहां पर वास्तु करेंगे आपको मर्म स्थान निकालना ही निकालना है। मर्म स्थान, आप मर्म स्थान को ठीक से समझ जाओ, मर्म समझ जाओ, बहुत कुछ हो जाएगा। तो कहते हैं ना, मैं मर्म समझ गया इसका, मतलब तत्व खींच लिया आपने, मर्म को एक्टिवेट कर दो, मर्म को ठीक कर दो, 70% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। आप ही समझो ना, आपका धन गया हुआ है, धड़न जो जाता है ना, नाभि हिल जाती है, और आप डॉक्टर के पास जाओ, आप इसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो, मैं धड़न ठीक करता हूं, तो और लोगों को ये पता चल गया है, तो और ये चीजें पैसे की होती नहीं है, कहीं भी मिल जाओ मेरा निकल गया तो उसको ठीक करता हूं, तो अब मुझे समझ में आता है कि लोग कितने परेशान हो सकते थे इसके बिना। एक आदमी क्लाइंट है मेरे, बहुत सालों से बीमार थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, SGPT बढ़ी हुई थी उनकी, लिवर में भी प्रॉब्लम, ये भी वो भी वो भी, हमने उनके नेवल पे, केवल और केवल नेवल पे 3 महीने तक वर्क किया, और ये इसका जो है ना मर्म स्थान इस पे वर्क किया, केवल ये अति मर्म पे वर्क किया उनका ना, वो वाला जो था, जो जो इस टाइप की प्रॉब्लम थी पेट से संबंधित, और ये सब खत्म हो गई। अब एज ज्यादा है तो उस वजह से कुछ ना कुछ तो आदमी को लगी रहती है, मगर उस टाइप की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। मर्म पे वर्क करना सीख गए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट अपने आप ही दुगना बढ़ जाएगा, आपका दुगना हो जाएगा सीधा। मर्म पे वर्क करिए, मर्म अपने आप में पूरा शास्त्र ही है,
मर्म स्थान अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो। मर्म समझ गए आप, वैसे भी समझिए सीधा जो कोने के देव हैं उसके पीछे, जो बीच के देव हैं उसके पीछे, जो कोने के देव हैं उसके पीछे, आठों दिशाएं हैं ना, आठों दिशाओं के जस्ट पीछे वाला जो पद है वो मर्म का होता है, उसके बीच का हिस्सा मर्म का होता है। अगर अब ये शास्त्र में दिया हुआ है, अगर कभी भी आपको मर्म पर ही प्लान बनाना पड़े, अगर आपका मकान मर्म पर ही आएगा, कोई दीवार आनी है या कुछ होना ही होना है इसमें मकान बनाते टाइम में, तो एक तरीका दिया हुआ है इन्होंने, एक पद का 24वां हिस्सा लीजिए, एक पद का आपने 24वां हिस्सा लिया और इसको, इसी से यह साबित होता है कि यह चारों मर्म नहीं है, मर्म केवल यह है, जबकि यह भी दिया हुआ है 32, कई जगह लिखा भी है कि 5 अति मर्म होते हैं, 32 बाहर के साइड में 32 मर्म स्थान होते हैं, और इससे 1/24वां हिस्सा लेंगे और इससे उतना उत्तर या पूर्व की तरफ उसको विस्थापित कर देंगे। जैसे आपको यहां पर कुछ रखना है, कोई दीवार लेनी है, कुछ ऐसा करना है, तो आप इस मर्म से उत्तर, ये पूर्व या उत्तर की तरफ इसको इतना एक इस पद को गिन लेंगे, उससे 1/24वां हिस्सा आप आगे पीछे कर देंगे कहीं पर, तो वो मर्म पे रखा हुआ नहीं माना जाता है और मर्म पे वो रहता नहीं है, मर्म का दोष दूर हो जाता है उसमें। मर्म से संबंधित आपकी दूसरी बात है, जिस दिशा से आप मर्म रखते हैं, जिस दिशा से संबंधित आपका कोई मर्म स्थान डिस्टर्ब हो रहा होता है, और जब मकान बना हुआ है तो फिर उसके नीचे जैसे दीवार बनी हुई है तो दिशा से संबंधित है कि किसी के नीचे कछुआ आपको रखना होता है, किसी के नीचे हाथी रखनी होती है आपको, किसी के नीचे स्प्रिंग से हम लोग यूज करते हैं इसको, कई बार स्प्रिंग रख के काम करते हैं, उसका कम है मगर कछुए का रिजल्ट ठीक है। और इसको एक्टिवेट करने का तरीका यह होता है कि उसमें एक होल किया जाता है, वो प्रैक्टिकली है, मैं कभी प्रैक्टिकली अगर आपका उपाय वाला सेशन लेता हूं तो प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा मैं इसको कि मर्म स्थान कैसे बाधित करते हैं। मर्म स्थान तो अब हो गया, बाधित तो है ही, बाधा को कैसे बाधित करते हैं। मर्म स्थान एक बार अपने घर में भी चेक कर लीजिएगा और इसी तरह से चेक करिएगा, जो ये बना हुआ है ना इसी तरह से चेक करिएगा। और वैसे अगर इसी में आपको इसी में जाना है तो आप एक काम करिएगा, जो कोने के देव होते हैं ना, जैसे आप ये गए, जो आपका चक्र जो बना हुआ है, वास्तु चक्र जो बना हुआ है, वो ये हो गया आपका भूधर का ये वाला, तो ये पूरा नॉर्थ जो कहा जाता है ना, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये आपका E1 हो जाएगा और ये N8 हो जाएगा। ये अब ये जो है ना, ये कोने वाला जो है, इसमें सिखी यही देव है। अब ये जो कोने वाला है ना, उसके पीछे के जो देव हैं उसको साफ कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, उसको एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये उपाय का सेशन नहीं है, ये केवल समझाने का सेशन है, तो इसको समझ समझ के रहिए। उपाय का सेशन हम इसी तरह से लाएंगे टोटल पूरे को, और इससे संबंधित आप लोगों को और भी कोई नई जानकारी मिले, कोई नया ड्राइंग बना पाए इससे संबंधित, तो मुझे आप बना के दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें, ये तो है सबके हाथ में, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वैदिक चीजें जो है ना वो बढ़ सकती हैं। जैसे हम लोग जो डिग्री पे जाते हैं ना, कि डिग्री, अब ये एंगल, ये इसको हम इसलिए जाते हैं कि डिग्री कैसे निकालेंगे, इसमें डिग्री निकालने वाला मैंने पूरा पूरा किया हुआ है, मगर उसको मैंने ऑटोकैड में सेट नहीं किया है, ना ऑटोकैड में मेरा हाथ बहुत अच्छा चलता भी नहीं है, आता है केवल, चलता भी नहीं है, तो उसको मैं ठीक से सेट करके और बनाऊं। अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आता है तो उसको आप आगे करिए, ये चीजें अच्छी हैं। आज जो आपके हाथ में कुछ है उसमें पूरा ऑथेंटिकेशन नहीं है, आप इस वाले को देखेंगे ना, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा, मगर ये 64 पद में है और ये केवल बड़ी बिल्डिंग के लिए बोला गया था, महल के लिए बोला गया था जब ये बनाए, या इरेगुलर शेप में अगर कोई भूमि हो तो उसके लिए बनाए। ये जो गोल वाला जो चक्र दिया हुआ है, ये रेगुलर शेप में नहीं दिया गया था, या जो चार शेप में जो भूमि है उस शेप में नहीं दिया गया था, इसको हम कर सकते हैं डिग्री के हिसाब से, जो लेना है तो वो डिग्री के हिसाब से मैं कर चुका हूं। उसमें जितने क्वेश्चन आप लोगों के हो सकते हैं वो बैठ के मैं एक बार खुद से क्वेश्चन पूछ लूं, उसका जवाब खुद को दे लूं, फिर मैं वो अग्रेसित कर दूंगा आप लोगों को, फॉरवर्ड कर दूंगा उसको, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि
क्वेश्चन तो आते ही है ना, आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हो जाओ कि कहीं भी घुमा लो इसको तो वो उसी डिग्री में जाना है।